हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सरदापुर डड्डा में। आज मैं बना रहा हूँ होली स्पेशल बेसन के लड्डू। ये रेसिपी उन सभी लोगों के लिए है जिनको बेसन के लड्डू खाना बहुत ही पसंद है। तो आइए देखते हैं बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये हमने एक कटोरी बेसन ले लिया है, ये ऑलमोस्ट 250 ग्राम है। ये मोटा बेसन लिया है मैंने क्योंकि लड्डू बनाने के लिए मोटा बेसन ही अच्छा रहता है। और ये लिया मैंने एक कटोरी होममेड शुद्ध देसी घी। आप चाहें तो बाहर से भी ले सकते हैं अगर घर पे अवेलेबल नहीं है। ये एक कटोरी मैंने लिया है बूरा। 50 ग्राम लिए हैं बादाम। ये 15 से 20 मैंने काजू लिए हैं। और ये 2 बड़े चम्मच लिए हैं मैंने मगज, या इनको बोल सकते हैं आप खरबूजे के बीज। और ये 8 से 10 मैंने पिस्ता लिए हैं। और ये मैंने लिया है इलायची पाउडर। तो आइए शुरू करते हैं बेसन के लड्डू बनाना। सबसे पहले हम गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई चढ़ा लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब इसमें 1 चम्मच हम घी डालेंगे। ये घी हमें 1 चम्मच ही डालना है। और इसमें हम करेंगे जो अपने काजू और बादाम लिए थे उनको रोस्ट कर लेंगे थोड़ा। अब जो मैंने काजू लिए थे ये काजू डाल दूंगा इसमें। और जो ये बादाम लिए थे हमने ये बादाम भी डाल देंगे। और इनको हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट हम इसलिए इनको कर रहे हैं क्योंकि जब हम इनको रोस्ट करके फिर इनको ग्राइंड करके जब लड्डू में हम डालेंगे इनको, तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। लड्डू खाने में अंदर से क्रंची भी लगेंगे थोड़े थोड़े। ये हमें रोस्ट करते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है। और काजू और बादाम हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। ये हमने एक कटोरी में निकाल लिए हैं। अब इनको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे और तब तक हम लड्डू बनाने के लिए बैटर तैयार करेंगे। अब हमने जो ये घी लिया था ये इस घी को हम डाल देंगे। और ये घी हमें पूरा कढ़ाई में डालना नहीं है, 1 कटोरी से 3/4 कटोरी हमें डालना है। बाकी हमें बचा लेना है, उसका यूज हम बाद में करेंगे। ये देखिए मैंने इतना घी बचा लिया है, इसका यूज मैं बाद में करूंगा। और इसमें जो 1 कटोरी हमने बेसन लिया था ये बेसन भी डाल देंगे। अब बेसन थोड़ा थोड़ा करके डालें, एकदम से डालोगे तो लम्स पड़ेंगे उसमें। और याद रहे दोस्तों, आपको गैस का फ्लेम जो है वो लो पे रखें। हमें इसको लो फ्लेम पे ही भूनना है बेसन को, लगातार हाई पे नहीं भूनना है, ना ही मीडियम पे भूनना है, क्योंकि इससे बेसन जो है फिर नीचे लग जाएगा। और बेसन जब जलना शुरू हो जाएगा तो लड्डू खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। लड्डू हमें जले जले से लगेंगे, जो जिससे टेस्ट खाने का बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। बेसन को भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और बेसन भुनना हमारा शुरू हो चुका है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो काफ़ी लोगों को होती है कि वो कहते हैं कि लड्डू खाते समय जो है लड्डू हमारे गले में चिपक गया है, तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया टिप्स है कि आप अगर बेसन को लो फ्लेम पे लगातार भुनेंगे तो बेसन के लड्डू गले में नहीं चिपकेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये एक खास टिप्स है, इसको आप ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। बेसन को भूनते हुए हमें 25 मिनट हो चुके हैं और बेसन हमारा भूनकर तैयार है। अब सबसे पहले गैस को बंद कर देंगे और हमें 2 मिनट तक बेसन को ऐसे ही चलाते रहना है इसको। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो बेसन जो है मेरा नीचे कढ़ाई की तली में लग जाएगा और बेसन जल जाएगा। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जो है इसमें मैं डालूंगा इलायची पाउडर। अब इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर देंगे और लगातार इसको चलाते रहेंगे जब तक कढ़ाई हमारी थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आ जाए। बेसन हमारा रेडी है। अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ड्राई फ्रूट को हम ग्राइंड कर लेंगे। और इनको आपको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, इनको थोड़ा मोटा मोटा करना है। और ये मगज भी मैंने डाल दिया इसमें। अब इसको हम कर लेते हैं ग्राइंड। ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट को मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है। बेसन हमारा ठंडा हो गया है। और याद रहे बेसन को हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इसको हल्का थोड़ा सा गर्म रहने दें, जिससे क्या होगा कि लड्डू हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर बेसन ज़्यादा ठंडा हो गया तो लड्डू को हमें बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब हम एक एक करके जो इसमें हमने ये बूरा लिया था 1 कटोरी है, आधा डालना है। अब इसको हम मिला देंगे इसमें। देखिए बूरा जो है वो मिक्स हो गया है। अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट लिए थे वो डाल देंगे
ये ग्राइंड किए ड्राई फ्रूट हम इसमें डाल रहे हैं, इसको सारे डाल दें और जो बाकी का बचा हुआ बूरा है वो भी डाल देंगे इसमें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सर हमारा अच्छे से बनकर रेडी है, तो आइए अब शुरू करते हैं लड्डू बनाना। मिक्सर को ऐसे हाथ में ले लेंगे और ऐसे इसको बाइंड करेंगे, उसको गोल गोल बाइंड करेंगे जिससे लड्डू हमारा बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए लड्डू हमारा बनकर तैयार है। अब इसमें ऊपर से पिस्ता लगा देंगे थोड़ा। बाकी के लड्डू भी ऐसे ही हम बना लेंगे। लड्डू हमारे बनकर तैयार हैं। दोस्तों मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।